हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील रहा हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। कल जो मीटर लगाया था वो चालू करा दिया है। हमारे ही चाचा जी है इलेक्ट्रिशियन। ये हमारी एसी विंडो है, इसमें रात को मतलब ज़बरदस्त नाइस। कमरे में पंखा है ना कुछ है, मतलब मुझे रात को कंबल ओढ़ना पड़ा, इतना ज़बरदस्त ठंडी हवा आती इससे। तो अभी यहाँ पे काम तो बहुत पड़ा हुआ है। अभी ये चौक की पूरी सफाई करनी है, इसमें पूरा आपका घास जमी हुई है, मिट्टी पूरी सफाई करनी है। और प्राची रावत भी उठ गई है। हेलो प्राची। हाय। ये हमारे प्रीतम, इसको मैंने ये उठाया था। दिव्यांशी, प्रियांशी हाय बोलो। हाय हाय हाय। हाय। तो ये यहाँ का सुबह सूरज दादा भी आ गए। मॉर्निंग व्यू है, सुबह के 7:30 हो रखा है टाइम, 7:30। ये धुंधार गांव है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है धुंधार गांव, ये मल्ले गांव। तो हम आपको लेके चलते हैं अपने किचन एरिया में। यहाँ पे चूल्हा, गांव का चूल्हा, इसमें आग जला रखी है, रोटी बनाएंगे भी नाश्ता। इधर हमारी धर्मपत्नी सब्जी बना रही है गैस में, और ये राजवीर रावत अभी उठा है। हेलो राजवीर, क्या सब्जी बनाने थे वो आज? शिमला मिर्च की सब्जी बन रही है। बीना वो है पानी लेके आ रही है। ये हमारा देवघर गांव, सीधा छाल भी बोलते हैं इसे। तो ये छब्बी भाई के बकरे आपको दिखाएंगे अभी। छब्बी भाई वो देखो छन्नी में गए हुए अभी, तो अभी दिखाएंगे आपको इनके बकरे भी। अब तो डबल कर दिए हमने, सुना इन्होंने बकरे। एक खलंड और यहाँ मैपाल भाई का मकान बन रहा है, अभी जाएंगे हम थोड़ी देर में या फिर कल जाएंगे। अगर टाइम मिल गया तो आ जाएंगे, नहीं तो कल ही जा पाएंगे। इधर ये सारे अखरोट के पेड़ है एक रोले में, इसको नारोल बोलते हैं। तो यहाँ अखरोट के पेड़ है, बहुत सारे अखरोट मिलते हैं, आते हैं मतलब। ये ब्याट गांव का व्यू है, ज़बरदस्त आ रहा भाई साहब। ब्याट गांव तो नाश्ता रेडी हो गया है, शिमला मिर्च आलू की सब्जी एंड रोटी विद अचार। और एक आयरन की कढ़ाई में बना रखा है, आयरन की कढ़ाई है गांव में, तो इसका बना हुआ खाना बड़ा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे गांव में बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं, कोई कहीं भागे जा रहा है, कोई कहीं भागे जा रहा है। हमारी छुटकी, मजा आ रहा है छुटकी? हाँ। चलो खाओ फटाफट नाश्ता करो। इधर एक प्राची रावत भी है। तो ये हमारा होम गढ़वाल का किचन है। तो दोपहर के 12:50 और मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। ऊपर पूरे बादल बादल छा गए हैं, देखते हैं बारिश आ जाए तो बड़ा ज़बरदस्त सीन हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा फिर तो। ये हमारा पेड़ हो रहा है यहाँ पे, संतरे का पेड़ पहले भी था इस जगह, बट काफ़ी पुराना हो गया था तो टूट गया खुद ही। यहाँ पे आड़ू का पेड़ भी था। और ये हमारा पहले यहाँ पे दुकान थी बहुत पहले, जब पापा लोग थे, उसके बाद छब्बी भाई ने भी दुकान खोली। अब यहाँ लकड़ियाँ बड़ी हुई है। वो बापा आपको आड़ू ला रहे अब तक है? ए बापा तुम भी चल, वेरी गुड वेरी गुड। इसको बीच में क्यों बैठा रखा है भाई छुटकी? हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। और हम चलते हैं अंदर वाले कमरे में। आज बना रखा है भात, और भात के साथ है मूली का साग। वाव, मूली की थिचोड़ी जबरदस्त भाई साहब। चलो अब बैठते हैं। हमारी सीट किधर है? इस साइड। वाह जबरदस्त। लंच तो हो गया दोपहर का, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये दोपहर का भी है। उधर देखो जंगलों में बकरी आग लगा दी किसी ने ना।
ये पूरा धुआं धुआं निकल रहा है ऊपरली साइड से। धोएली भांडा गाम लगनू दो दो। अभी यहाँ पे जबरदस्त मौसम हो रखा है, ऊपर बिल्कुल काले काले बादल आ रखे हैं चारों तरफ से, हो सकता है रात तक बारिश भी आ जाए। ये देख देख सकते हैं आप, बिल्कुल बादल ऐसे छा रखे हैं चारों तरफ से। इस साइड का बड़ा ही प्यारा व्यू, ये हमारा पूरा देवघर गांव का व्यू आ रहा है। जबरदस्त बादल चारों तरफ से बादल आ रखे हैं सब। ये देवघर गांव है और ये हमारा घर। अभी सारे बिस्तर ऐसे ही बाहर रखे हुए सुखाने के लिए, तो अभी रखेंगे इनको। तो अभी हम चलते हैं पंदेर पानी बनाने के लिए। पंदेर बता दो। हाँ पंदेर पूरा वहाँ जाना, हमने थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, पूरा वहाँ चलेंगे। ये हमारा पुराना रास्ता है पंदेर का। सावास राजवीर तोड़ कंडेल तोड़े झाड़ ले दी। यहाँ पे सफाई अभियान जारी है। बकवा गंद करे रे। आपने मेरी कंडेली मार। नाराजवीर को तो कंडेली भी लगी है। बुला ये तो उखले आले रे तू भी है ना। ऊपर है डंडा और डिक्ची में ऊपर। यहाँ पे हमारे संगल सिंह भी है साइड में। यहाँ बड़ा ये बड़ी गंदी झाड़ी है, ये जितना तोड़ो इनको उतना बढ़ती है। तो आज पंदेरे की सफाई करते हैं थोड़ा। तो अभी पापा जो तोड़ रहे हैं वो कंडली है। कंडली है, बहुत तेज लगती है। अभी पापा तोड़ रहे थे एक कंडली का, वो ये चीज, ये जो ये है ना ये चीज, वो लग गई मेरे इधर शोल्डर के थोड़े नीचे। आज तो बाबू छा रखा है पूरा। वेरी गुड। टंकी की सफाई हो गई है। अरे अखरोट, बाप रे अखरोट देखो, ये अखरोट लग गए। तो ये है बच्चा पार्टी, इन लोगों ने आज टंकी को साफ करा है। तो अब चलते हैं घर की ओर। अभी वहाँ पे भी शायद दूसरी टंकी साफ करनी पड़ेगी, या फिर देखते हैं टाइम कैसे मिलता है, या आज करनी पड़ती है कल करनी पड़ती है। चलो दोस्तों मिलते हैं घर पे। अब पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे गांव वाली टंकी में, अभी से थोड़ी सफाई करेंगे। ये हमारे चाचा जी है। खतरनाक मौसम, जबरदस्त, बिल्कुल अंधेरा चारों तरफ। तो लग ही रहा है कि बारिश आ ही जाएगी। मस्त मौसम भाई साहब, बिल्कुल काले काले बादल। वाह फाइनली जोरदार बारिश यहाँ पे, जबरदस्त मौसम भाई साहब। बहुत तेज बारिश हो गई है स्टार्ट, अब कितनी देर तक रहती है बारिश देखते हैं। बट अभी तो इस समय बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है।
शाम के 7 बज चुके हैं और बड़ी जबरदस्त बारिश हो रखी है, मज़ा आ रहा है, मौसम बिल्कुल चिल्ड हो गया है। तो आज की वीडियो को समाप्त करने का टाइम आ गया। बाहर तो जोरदार बारिश हो रही है और आज टिपिकल मतलब पहाड़ी उस पे खाना खा रहे हैं अपन लोग, मोमबत्ती जला के, ये देख सकते हैं आप, और चूल्हा जल रहा है उधर, उधर चूल्हे में रोटी बन रही है। अंधेरा इसलिए हो रहा था कि लाइट चली गई है बारिश की वजह से। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।